हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से नैनीताल, जो कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो हम सब लोगों ने तैयारी कर ली है और मैं आपको अभी सारी तैयारियाँ दिखाती हूँ। मैंने सब कुछ सामान वामान पैक कर लिया। ओके बेटा, हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से लोड हो चुकी है पूरी सामान से। बैग तो कई हो गए। ये हमारा नंदी है, नंदी को लोड कर दिया गया है। अब नंदी के ऊपर हमने अपना लगेज रख दिया। अब ये लगेज को बांधा जाएगा। नंदी तैयार है जाने के लिए। अभी थोड़ा और सामान रह गया, अभी बस वो रखना है। ये आगे जाएगा, ये इसमें नाश्ता है, ये नाश्ता आगे रहेगा। ठीक है, ये थपाल दे दो मेरे को। आ जा, और सामान ले आओ। ये चप्पल किसकी रखी है? देख जरा, पर्सा से पूछ लियो। ये रख दिया है और सामान काफ़ी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, सामान काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। ये कल ही लगवाया है ये कैरियर, ताकि सामान की दिक्कत ना हो रखने की। और ये हमारा दूसरा गैस है, जो कि ब्यूटेन गैस से चलता है ये चूल्हा। इसको भी ले जा रहे हैं, इनके कुछ दूसरे वाले चूल्हे में दिक्कत होती है, तो ये हमारा काम आएगा। इसकी गैस सिलेंडर कहाँ रखें? तो हम सब लोग अब निकल रहे हैं घर से, सबकी सारी पैकिंग हो चुकी है। बाय बाय बाय। तुम यही है, चलो बाय। चलो, बाबा बुला रहे हैं नीम करौली। चलो चलो आओ। ये हमारी शिवन्या का नाम, श्री श्याम। क्या हुआ? 15 तक निकल जाएंगे। मौसम आज कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, सारे में बादल हैं। देखो सारे में बादल हो रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे CNG फुल करवाते हैं। पर आज मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो मजा आएगा रास्ते में। गाड़ी में मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, घूमने फिरने लायक। और हमारा टूर जो है सीधा नैनीताल, बाबा नीम करौली
भीमताल भी चलोगे? बच्चों का मन था चलो पापा घूमने चल रहे हैं, चलो भाई छुट्टियाँ 3 दिन की आते हैं चलो। तो हम लोग अभी CNG फुल करवा रहे हैं सारे, और देखो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में। तो बस अब कुछ ही देर में निकलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लिया है क्योंकि हमारी गाड़ी चल गई है बहुत, तो अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ा रुक के चाय वाय पियेंगे। हाँ गाड़ी रुकी है, अब रेस्ट करके थोड़ा सा चाय ढाबा दिखा है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम अपनी चाय वाय लेके आए हैं तो हम अपनी चाय पियेंगे यहाँ पे, नहीं बाहर का कुछ भी नहीं, हम अपनी चाय लेके आए हैं। थोड़ी हमें जगह दिखी है तो हम वहाँ पर चाय वाय पियेंगे, सवेरे का नाश्ता करेंगे। हाय रे शिवन्या, शिवन्या हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय बोलो, हाय। दिल बना रही है, दिल ऐसे करके दिल बनाओ, दिल बनाओ। ये रही जगह, यहाँ पे बैठ के हम चाय पियेंगे। यहाँ भैया गाड़ी ले आया, बिस्लेरी
अब हम यहाँ बैठ कर चाय पियेंगे। चाय लाए अपनी दुकान नहीं उठ रही है, बंद पड़ी है। हमें सही जगह मिल गई है चाय पीने के लिए। ये देखो ये भैया है यहाँ पे साफ करने वाले, ये हमारी भी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। मेरे माधव और क्या ये हमें एकदम बढ़िया जगह मिल गई है चाय पीने के लिए। और साथ ही मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है, काले काले बादल। जब से हम घर से निकले हैं तब से मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, मुझे भी। ये पहली चाय जा रही है हमारे माधव के लिए, गिलास आया है। उनमें तीन साफ कर दे, ले लो ना, साफ है चुन। आइए देखो मौसम। मौसम हो रहा, बारिश होगी आगे कहीं ना कहीं। चाय पी लो पहले ही, नैनीताल में बारिश है, फिर कहीं मौका मिले ना मिले। गेट क्या है बाबा? आज नहीं करूंगा। चप्पल डालनी है। चाय ठीक लग रही है ठंडी ठंडी हवा के बीच में। शीनू हंस के दिखाओ, शीनू हंसो, टिट दिखा दो, टिट। माधव भैया को प्यार कर दो, माधव को प्यार करो, प्यार करो, पहले प्यार करो माधव भैया को, माधव को प्यार करो। सुनो सुनो माधव भैया को प्यार करो, सुनो माधव भैया को प्यार करो, जल्दी नहीं कर रही ना, ये मेरी मम्मी कुछ लेके आ रही है। मम्मी क्या लेके आ रही है? तोड़ लेती। चलो मम्मी ऐसी चीजें ढूंढती रहती है। थोड़ी देर गाड़ी रोकी, ठंडी हुई गाड़ी। एक तो
देखना गाड़ी वाड़ी की इधर तो ना हो। अभी हम गंगा जी का पुल क्रॉस कर रहे हैं, गढ़ गंगा का, गढ़ मुक्तेश्वर मैया की जय। ये गंगा जी के पहले दर्शन है गढ़ मुक्तेश्वर के। बोल गंगा मैया की जय। यहाँ पर इस वक्त हमारी गाड़ी फंस चुकी है, ये देखो एकदम हमारी गाड़ी यहाँ से यहाँ टच हो गई है, वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे। लग गई है पूरी। तो ऐसा ना होगी, तो कर जा भैया ने घुमा, ऐसा नहीं होगी। उठा के हट, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए कुछ लोग आए, क्योंकि उन्होंने हेल्प करी तो हमारी गाड़ी बाहर निकली। भैया होना चाहिए यार, होना चाहिए रात में कुछ मजबूर आती। ये वो जगह रामपुर है, जो रामपुरी चाकू है, जहाँ पे ये रामपुरी चौका, ये रामपुर चौक है, चाकू बना हुआ है, चाकू वाला चौक है, तो है तो रामपुर चौक। क्या लग रहा है, मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, अभी तक जब से निकले हुए हैं अभी तक मौसम एकदम बढ़िया हुआ पड़ा है। हम लोग अभी यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप पे सीएनजी फुल करवाने के लिए, और यहाँ पे हमने मिर्ची के पौधे देखे, रेड वाली मिर्ची और बैंगन का पौधा, और हरी मिर्ची भी है, वो भी खाती हूँ मैं आपको भी। और बैंगन है गोल वाले बैंगन एकदम, मैं ना कैमरे पे नहीं देखती, मेरी नज़र नहीं जाती। ये उग रहे बैंगन, बैंगन का है बैंगन, ये रहा हमने घर में भी उगा रखे हैं बैंगन। क्या ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
एक जीरा मुझे तो ये मिर्ची का पौधा बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें इतनी सारी मिर्ची है। मुझे को यहाँ हमारी सोना नीनी कर रही है, सो गई है मेरे बच्चा बोली कितने पहले लो थी। दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। आगे आगे चलो और यहाँ तो छोले भटूरे महंगे हैं, अचार आम का अचार रोशन है तो सुबह मेरी अंधेरी सी बीते लम्हों को बुला के थोड़े से चुरा के कटोरी क्यों निकालना लड्डू के लिए तो और छुकी हुई मिर्च भरी हुई मिर्च का अचार कह दे आ जाओ खाओ। भरी हुई मिर्च का अचार बैठे हमारे माधव दुकानों से अच्छा तो
घर के ये हरी मिर्च भी खा लो ना, वो भी ठीक है। यहाँ की जिस तरीके की दुकानें होती हैं, कोई दुकान वाला ना देखेगा तुम्हारा ब्लॉग। ना देखे ना सही, दुकान वाले साफ सफाई से थोड़ी देते। हम लोग अपने नहीं है, कोई क्या कैसे कर रहा, और क्या कर रहा। हम लोग अपने साफ सफाई से बना के लेके आते हैं, खाते हैं अपना जो मर्जी मन करे। मैं नहीं खाना किसी की दुकान का, हरी मिर्च मंजूर है छोटी मिर्च मंजूर। आम का अचार भी दो भाई। सब खाना खाने के बाद मिलते हैं जब हम निकलते हैं, लंच कर ले सारे जने, फिर बात करते हैं। इसी में डाल के हाथ मीठे मीठे हो जाएंगे। तो हम सब ने अब खाना खा लिया, मैंने तो नहीं खाया, इन्होंने खाया, नहीं खाया मैंने तो खूब हरी मिर्च, ठंडा पानी, मिर्च, आम का अचार, सुखा हुआ मिर्चों का अचार, मस्त होके खड़े खड़े खाना खा लिया और अब चल रहे हैं। चलो अब हम तो खा लिए मिर्ची से, मैंने नहीं खाया, ठंडे पानी चाहिए था। फिर छोले यार भटूरे खाएगी तू, दिलाई देना फिर। हाँ दिला दूंगा, सही सा हुआ दिलाऊंगा, और जो वो जो ना ऐसे कुरेदा कुरादी कर रहा हो ना तो मैं नहीं दिलाऊंगा उससे। चलो आगे मिलते हैं। अभी इस वक्त हम लोग हल्द्वानी में हैं, हल्द्वानी की यहाँ मार्केट लग रही है, काफ़ी बड़ी मार्केट है इधर, तो अभी हम हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं। ठंडा हो गया बाहर, देखो हाथ निकाल के। बादल नहीं है सारे।
करके देखो क्या। पेट्रोल पे ले लिया मैंने, पेट्रोल पे ले लिया। कोई बात ना, वो कर देगा अपने आप। गाड़ी तो वहीं आएगी ना। चलो पापा एक जयकारा लगा दो, बोलो जय, बोलो बोलो बाबा नीम करौली वाले की जय, कैची धाम की जय। जैसे जैसे हमारा रास्ता आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे हमारा सामना इन सुंदर सुंदर नज़ारों से हो रहा है। आप देख ही सकते होंगे कि इतना सुंदर व्यू, बहुत ही ज़्यादा। हम बादलों में आ गए एकदम, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे इधर के। और अभी हम लोगों को जाना है भवाली, तो आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा। भवाली क्रॉस करके फिर आगे जाएंगे हम बाबा नीम करौली के दर्शन करने। अभी तो फिलहाल हम भवाली जाएंगे। अभी हम लोग इस वक्त आ गए हैं भीमताल, भवाली इससे आगे है। तो अभी देखते हैं यहाँ के व्यू दिखाते हैं, यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको, भीमताल दिखाते हैं वो कितनी सुंदर है। काफी बड़ी है, बीच में भी कुछ बनना हो। हेलो, हाँ जी चरण सिंह जी,
हम तो भीमताल पे घूम रहे पहुंच गए मैं दो दिन की छुट्टी पे खाली भी करते हैं कहीं साइड में लगा के देख लो अगर ना झूलना हो तो खाली नहीं होगी उसमें कमल ककड़ी पार्किंग में डाला और फिर कमल डाल दो खाली कर देते खाली करने वाली ना दूसरी होती ऐसी थोड़ी बड़ी बहुत बड़ी भगवान मेरी लाली का सिर लगा ये आ रहा पानी इसमें को हाँ इसमें ताल में पानी आता है इससे आ रहा ना यहाँ खड़े होकर खींच लेते बोलो और का हाँ यहीं से खींचो अच्छा है यहाँ से देवी मंदिर भवाली ये है हमारा रूम जो अभी हमने लिया है यहाँ पे ब्लैंकेट भी है यहाँ पे थोड़ी ठंड है ठंडा मौसम है इसलिए और बाहर तो सब स्वेटर पहन के घूम रहे हैं तो दो ब्लैंकेट और ये है किचन यहाँ बैठ के नाश्ता कर लो और ये है बाहर का नजारा देख नींद कितनी मैं देख रहा हूँ सोना खेली खेली कर रहा है सोना हाय करो बोलो कैसे हो बोलो मैं तो मजे में हूँ अच्छा नाच करके दिखा दो डांस मजा आ रहा है यहाँ पे बोलो मजा आ रहा है आपको आप क्या खा रहे हो क्या खा रहे हो बोलो क्या खा रहे हो अच्छा ये खा रही है ये चीज का नाम आइए बैठे हमारे माधव ये अपने शिवन्या के खरगोश पे बैठे हैं सबसे पहला भोग हमारे माधव के लिए जो कि आज बनाया है हमने दाल चावल
भाई देखो आ गए हम थक। अब कितना टाइम हुआ? 9:08। हमने खाना बनाया भाई, जो कमरा लिया उसी में अपना किचन खोल के अपनी भाई अपना बना हुआ खाना खा रहे हैं हम। आ जाओ, आ जाइए, खाइए। खा के अब सो जाते हैं। श्री राम, जय श्री राम। क्या आ जाओ, आप भी आ जाइए सर। यार यहाँ तो मौसम, हम तो स्वेटर ले आते तो अच्छा रहता। कुर्सी मम्मी यहाँ बैठ जाएगी। हाँ तो बोली ना, वो कुर्सी ले लिया, वो ले लिया। हमें तो ठंड लग रही है यहाँ। हाँ ठंडा मौसम दोस्तों, आप भी आओ ना कभी तो, गर्म कपड़े लेके आना, नहीं तो यहाँ ठहरना ही जरूरी है। तो यहाँ सभी अब खाना खा रहे हैं, दाल चावल बने हैं आज खाने में। अब ये है छुकी हुई मिर्च, ये है देसी घी, वो है आम का अचार। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे। आगे क्या होगा नहीं है पता, तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के जाने क्यों, आज ये मेरा शुरुआत नहीं।